नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से भारत चिंतित, निर्मला सीतारमन बोली निर्यात पर पड़ सकता है असर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज पांचवा दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूक्रेन से व्यापार संबंध पर पड़ने वाले असर पर चिंता जताई। कीव में वीकेंड कर्फ्यू हटाओ, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को दिया निर्देश। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निर्देश दिया है कि वे पश्चिम हिस्से तक पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे और यूक्रेन रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। बंगाल निकाय चुनाव में धांधली के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, पुलिसकर्मियों से झड़प। कई जगह रोकी ट्रेनें। पश्चिम बंगाल के 108 नगरपालिकाओं के लिए रविवार को वॉचिंग हुई थी। बीजेपी ने निकाय चुनावों में कथित धांधली और हिंसा का आरोप लगाया। नवाब मलिक को अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज, 3 मार्च तक ईडी हिरासत में है महाराष्ट्र सरकार के मंत्री। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को आज मुंबई के जेजे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जिसके बाद उन्हें ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए ले जाया गया। नवाब मलिक 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर लौटी पांचवी फ्लाइट, परिजनों ने गले लगाकर किया अपनों का वेलकम। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत भारत लाने का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन गंगा की पांचवी फ्लाइट जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची तो छात्रों का जोर शोर से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम गति शक्ति देश के विकास में निभाएगी अहम भूमिका। इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास को गति मिलने से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति पर वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, हवाई मार्ग और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में निवेश बढ़ाया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा, अपने बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने का करें प्रयास। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों और विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों को शुभकामनाएं। यूक्रेन में फंसे भारतीय की दशा देख भावुक हुए राहुल गांधी, छात्रों के साथ मारपीट का वीडियो भी किया शेयर। राहुल गांधी ने भारत सरकार से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए तेजी से काम करने की अपील की है। कांग्रेस नेता ने कहा, हम अपनों को नहीं छोड़ सकते। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुई बड़ी दुर्घटना, बस और डंपर में टक्कर, ड्राइवर समेत कई यात्री गंभीर रूप से घायल। मामूली रूप से घायल सवारियों को मेडिकल कॉलेज तिरवा में भर्ती कराया गया। घटना के समय बस में बैठी सवारियां सो रही थी, अचानक हुए हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई। भारतीय सेना को भेजिए, हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, हाथ जोड़कर रोते हुए छात्रा ने लगाई मदद की गुहार। यूक्रेन में बमबारी और हमलों के बीच हजारों भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं और वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच एक छात्रा का रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह मदद की गुहार लगा रही है। यूक्रेन से छठी फ्लाइट ने भरी उड़ान, ऑपरेशन गंगा के तहत 240 और भारतीय नागरिक आ रहे हैं भारत। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का आज पांचवा दिन है। दोनों देशों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। कीव पर रूस की सेना की कब्जे की तैयारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले 70 सालों में भारत में 74 हवाई अड्डे थे और हमने पिछले 8 साल में 70 और बनाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत अगले 10 से 15 सालों में अपने 720 विमानों के बेड़े से बढ़कर 1000 से 2000 विमानों का हो जाएगा। हम अपने हवाई अड्डा क्षमता बढ़ाने जा रहे हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला 19 मार्च से होगा शुरू, 35 देश लेंगे मेले में हिस्सा। इस बार 19 मार्च से 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला शुरू होगा। इसमें राजकीय स्कूल के बच्चों के लिए मेले में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा, जबकि दिव्यांगों को 50% की छूट दी जाएगी। यूक्रेन रूस संकट पर दलाई लामा ने जताया दुख, कहा युद्ध विराम के लिए अहिंसा ही है एकमात्र रास्ता। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रूस यूक्रेन संकट पर कहा कि इस संघर्ष से मुझे गहरा दुख हो रहा है। इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर लगी रोक अगले आदेश तक रहेगी जारी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सर्कुलर में कहा कि यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों तथा DGCA द्वारा विशेष रूप से मंजूरी प्राप्त उड़ानों पर लागू नहीं होगा। सर्कुलर में कहा गया है कि एयर बबल अरेंजमेंट के तहत आने वाली फ्लाइट प्रभावित नहीं होंगी। अगली खबर महाराष्ट्र से, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी राजनीतिक आरक्षण की सुनवाई की तारीख बढ़ाई, अब 2 मार्च को होगी सुनवाई। ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होने वाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी है, अब यह सुनवाई 2 मार्च को होगी। महाराजगंज में पीएम मोदी बोले, ये परिवारवादी लोग भारत को समर्थ और यूपी को सशक्त नहीं बनने दे सकते। पीएम मोदी ने कहा कि यही आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत की ताकत है, लेकिन ये घोर परिवारवादी भारत को ताकतवर नहीं देखना चाहते, कुछ ना कुछ रोड़े अटकाते रहते हैं, इसलिए इस चुनाव में एक बार फिर इन्हें हराना है।
बीजेपी के बंद का नहीं हुआ कोई असर, जनजीवन सामान्य, ममता सरकार ने बंद की नहीं थी अनुमति। आपको बता दें ममता सरकार ने बंद की अनुमति नहीं दी थी, वहां पर कोई भी असर देखने को नहीं मिला। बहरामपुर में मतदान केंद्रों पर तृणमूल कांग्रेस के विरोधों का सामना कर चुके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वह बंद के आह्वान का समर्थन कर रहे हैं। चौधरी ने कहा तृणमूल कांग्रेस ने आज के निगम चुनाव के दौरान अप्रत्याशित आतंक फैलाया। न्यूज 21 एक्सप्रेस में फिलहाल इतने, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 21।